हार्ड कपाने वाली सर्दी ने किया रजाई में दुबकने को मजबूर। क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह सुबह पारा एकदम नीचे आ गया, जिससे लोग रजाई में दुबकने को मजबूर हो रहे हैं। सुबह सुबह घास पर ओस के बूंदे छाई गई, जिससे पाला पड़ना शुरू हो गया। घास फूस के पत्ते पर पाला जमता हुआ दिखाई दिया। ठंड बढ़ने की वजह से लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी सुबह सुबह बाजार में या मजदूरी करने वाले लोगों को आ रही है। गर्म कपड़े भी ठंड को नहीं रोक पा रहे हैं। सुबह घूमने वालों ने बताया कि आज सबसे अधिक ठंड महसूस हो रही है। कड़ाके की ठंड ने किया बेहाल, अलाव का ले रहे हैं सहारा। खेतड़ी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिन और रात का तापमान में काफी अंतर है, पारा एकदम गिरा हुआ है। रात को सफर करने वाले यात्रियों के लिए ठंड मुसीबत का कारण बनती जा रही है। बस स्टैंड पर लोग सर्दी में बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। दुकानदारों ने भी बस स्टैंड के पास यात्रियों को ठंड से बचा रहे हैं। दुकानदार अलाव जलाकर रखते हैं, जिससे यात्री बसों की प्रतीक्षा करने वाले को ठंड से बचा हो सके। खेतड़ी बस स्टैंड के पास रात को सर्दी का नजारा देखने को मिला, जब लोग सर्दी से बचाव के लिए दूसरों की मदद कर रहे हैं। मॉर्निंग वॉक पे निकले हम तीनों बाप बेटे, लेकिन क्या है कि आज सर्दी बहुत ज्यादा सर्दी है और बाहर जो घास है उस पे भी ओस जमी हुई है आज, और सर्दी की भयंकर तरीके से आज ठंड है, और जिसका बच्चों पर भी खासा असर हो रहा है। देखिए, कोट टोपी और हाथों में ग्लव्स वगैरह पहन के ही घूमने निकले हैं बच्चे भी, और आज सर्दी का आगाज़ ज़बरदस्त तरीके से हुआ है।